अरे मैं टो करके ला रहा हूँ, ये मेरा दोस्त आया है। तो भाई ये देख लो, मतलब 1300 किलोमीटर चली है और इन्होंने पैसे लिए हैं रोड असिस्टेंट के। भाई इनका रोड असिस्टेंट वाला आता है 6 घंटे बाद। तो भाई समझ जाओ, 6 घंटे बाद आता भी नहीं है, बोलता है भैया मुझे टाइम लगेगा। पहले आया रोड असिस्टेंट वाला, जो आता है बोलता है भाई स्कूटी में टो कर दूंगा। अरे तो स्कूटी में तो मैं भी कर लूंगा भाई, पैसे किस चीज़ के लिए आपने। भाई ये है इनकी सर्विस। मैंने CEO से बात कर ली, कंपनी के हर एक बंदे से बात कर ली, भाई मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मैं इसे रिफंड चाहूंगा और मैं इसके आगे ना कंप्लेन करने वाला हूँ कि भाई इस तरीके के इन्होंने मेरे से चार्ज लिए हैं और मैं गाड़ी ऐसे लेकर आ रहा हूँ, मेरी 1300 किलोमीटर चली है अभी, 1 महीने गाड़ी को हो नहीं रहे। भाई साहब इनकी रोड एक्शन देख लो, ये है वाह अप्रिलिया, भाई मानना पड़ेगा। और ये लिए मैंने गाड़ी अर्ष एंटरप्राइज से, जो लिए मैंने गांधी रोड से। भाई पहली चीज़ तो यह है यार, मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, कम से कम उनको वहाँ से कोई पर्सन भिजवाना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर टो वाला बंदा नहीं आ रहा यार, किसी को तो भिजवाओ यार, आपने पैसे लिए हैं, आपके पास गए हैं, प्रॉफिट आपको मिला है उसका, है ना। कस्टमर सर्विस होता है भाई, कस्टमर हैंडलिंग होती है, सेल तो कोई कुछ भी कर देगा। तो भाई ये देख लो, और मैं अभी आ रहा हूँ, कम से कम देहरादून यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो भाई इस वीडियो को ना फैलाना है पूरा सब जगह, और पता चलना चाहिए सबको कि भाई अगर वो गाड़ी खरीद रहे हैं ना ये, तो पता चल जाए भाई रियलिटी क्या है।